What connects the film Manchurian Candidate, the assassination of Yasser Arafat, and the book Born Identity? ये कहानी दो पार्ट्स में। World's most wanted man, Ilich Ramirez Sanchez, aka Carlos the Jackal को मारने के लिए CIA ने एक innocent civilian को brainwash करके एक trained assassin बनाया। But unfortunately, the mission was a failure. जब उस एजेंट का conscience जाग गया, and he decided against killing the Jackal. World's most wanted man. PLO लीडर यासिर अराफत को मारने के लिए इजरायली एजेंसी मोसाद ने एक सिविलियन को ब्रेनवॉश करके एक ट्रेन्ड असैसिन बनाया। बट अनफॉर्चुनेटली द मिशन वाज अ फेलियर जब उस एजेंट का कॉन्शियंस जाग गया एंड ही डिसाइडेड अगेंस्ट किलिंग अराफत। ये दोनों कहानियां एकदम आइडेंटिकल है, बट पहली बेस्ड 1980 की बुक द बॉर्न आइडेंटिटी पर, जबकि दूसरी एक सच्ची कहानी है 1968 की। ये मिशन बुक पे नहीं, एक 1962 की फिल्म मंचूरियन कैंडिडेट पे बेस्ड था, जिसे देखने के बाद मोसाद कमांडर को लगा कि इनोसेंट सिविलियन को असैसिन बनाना वाज अ गुड आइडिया, एक्सेप्ट इट वाज नॉट।